ओए 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 मेरी ब्रेकिंग लग रही है। नीले ले तुर जाई ले ले मेरे तो ऊपर। चलो मामा मेरी मित्रों का ना चलता यार। बाकी बहुत बढ़िया सारे लगे रहो यार, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को प्यार दिखाओ बस। मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं आज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो अंकल देख लो शीशे खोल लो यार, है पुलिस में अंकल, बट शीशे करा सभी बंद रखे हैं यार, पता ही नहीं कुछ रूल वगैरह का, कुछ पता ही नहीं है। ट्रैफिक वाले भैया बीच में खड़े हो गया, कोई तेज आया ना सांस लेके चले जाएगा। ओए ओए सुबह सुबह मामा बोले के हॉस्पिटल आना पड़ा यार, मैं खजल हूँ, मुझे नहीं पता फिर मैं कौन से रास्ते से घर जाने वाला हूँ, क्योंकि वही एक लास्ट सहारा है यहाँ से घर जा सकता हूँ। रुक जाओ बस 2 मिनट, बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि ऐसे बाइक के इंजन में फर्क पड़ता है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है ना, तो फिर चलते हैं ठीक है। हाँ भाई ग्लव्स लगा देते हैं पहले, ग्लव्स बहुत ज्यादा जरूरी है यार, एक तो इतनी ज्यादा ठंड हो गया है, जनवरी के महीने में हमेशा ज्यादा ठंड होती है यार, वो कूल बंदा ना तभी कि भाई बहुत ज्यादा ठंड है, सीरियसली बता रहा हूँ, बारिश हुई है रात को दबा के, नीचे फर्श वगैरह देखे आप समझ ही होंगे भाई किस हिसाब की रात को बारिश हुई है, और इतनी ठंड है, और टेम्परेचर भी कह दो 10 से नीचे नीचे टेम्परेचर होना है, बट चलेंगे फिर भी व्लॉग बनाने। यार बाइक अपना अभी भी निकाला था, सोचा पहले कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ भाई, जिस जिसके पास बाइक है ना, कभी भी बाइक को बिना कोल्ड स्टार्ट किए बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उससे इंजन में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, पहले बाइक के इंजन को अच्छी तरह गर्म करो एंड फिर उसको रेव वगैरह करो। ये हो गया चले, अब लेट तो नहीं हो रहे ना, भूखे बच्चे को उठा के ले आयो, ना खाना खिलाया ना कुछ, सीधा मैंने बोलते छोड़ गया मेरे को, चलो बैठो। तो अभी चलते हैं मम्मा को छोड़ने, बनाते हैं एक बड़े सा व्लॉग एंड आगे जो जो आपको दिखाते हैं वो। मैंने ना घर से बाइक को कोल्ड स्टार्ट करके रखा था, अब कर देते हैं इसको ऑफ, क्योंकि बाइक अब काफी ज्यादा गर्म हो गया, तो अभी चलते हैं एक बड़े सा व्लॉग बनाने, पीछे मम्मा भी बैठे हुए हैं, और ऊपर से मैंने व्लॉग करते इसलिए नहीं आया क्योंकि भाई रोड सीरियसली बहुत ज्यादा खराब है, एंड रात को जो बारिश हुई थी ना उस कारण बहुत ज्यादा स्लश था, आगे मेरे को बहुत सारी पुलिस दिख रही है, मम्मा जाने देंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता। आज अभी भी आ रहे हैं ना होम मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता मम्मा, ये देखो भाई साहब आज ना यहाँ पर आ रहे हैं अपने जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो आ रहे हैं, तो ये देख सकते हो कितनी सारी पुलिस है, ये देखो भाई साहब देख सकते हो मैन, बहुत सारे पुलिस मैन है यहाँ पे, जब वो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद आज यहाँ पर आ रहे हैं जो अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो जिन विक्टिम्स के घर अटैक हुआ था उनके घर विजिट करेंगे, तो तभी इतनी सारी सिक्योरिटी वगैरह हो सकते हैं। मंडी में तो बहुत सारी पुलिस होनी है दिस इज फॉर श्योर, लेकिन अभी हमने जाना हॉस्पिटल मम्मा को लेके, मम्मा को वहाँ छोड़ना है क्योंकि मम्मा की वहाँ ड्यूटी है, सुबह सुबह मम्मा उठा के मेरे को यहाँ लाया हॉस्पिटल के लिए। सच में कुछ मम्मा कुछ खिलाया आपने मेरे को, बना के आई, बनाया तो बड़ा कुछ है, बनाया तो हमने घर भी पूरा बनाया हुआ, घर थोड़ा खाना बने यार, सीरियसली बेड से उठा के लाया, मेरा गोप्रो भी प्रॉपर चार्ज नहीं है, मैंने मिनते मार मार के मैंने विनतियाँ की मम्मा को कि मम्मा मुझे 15 मिनट दे दो, मुझे बस गोप्रो चार्ज करना है। अब 32% गोप्रो हुआ था, मुझे नहीं पता कितनी देर चलेगा और कितनी देर ये रिकॉर्डिंग कर पाएगा, लेकिन जितना भी होगा हम रिकॉर्ड करते रहेंगे भाई, अपना क्या अपना तो काम है रिकॉर्ड करना। तो अभी चलते हैं मम्मा को छोड़ते हैं हॉस्पिटल में एंड फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है बारिश ही नहीं हुई है, ये देखो पूरा सब सूखा हुआ है, एंड क्या देखो भाई साहब वो यहाँ लग रहा है आपको बारिश ही नहीं हुई है यहाँ पर, ये देखो है ना ऊपर हमारे वहाँ इतना ज्यादा सब इतना स्लश था ना वहाँ पर, और यहाँ पे बिल्कुल सूखी रोड है, या फिर पेड़ के कारण शायद नीचे पड़ी नहीं है इतनी बारिश, मौसम में एक नंबर है भाई, मजा ठंड है बट सिर से क्या वाइब आ रही है ना दिया, हाँ मजेदार ठंड है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कितनी सारी पुलिस है देख सकते हो भाई, पुलिस बस बहुत ज्यादा आर्मी है यार, है ना, मुझे लग रहा था कि वो डांगरी विजिट करे ना सिर्फ, तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ वहाँ पे इतनी आर्मी वगैरह होगी, बट यहाँ पर इतनी आर्मी थी ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। अब मुझे घर जाना है, मैं पूरा सोच रहा हूँ मंडी साइड से घूमता हो जाऊंगा, देखूंगा क्या हिसाब है आगे, एक और आर्मी ट्रक, वाह 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 वाह, जब से मैं घर से निकला हूँ ना ये मुझे तीसरा राउंड मिला यहाँ पर, हमें ट्रैफिक पुलिस और आर्मी देखने को मिली है, एंड ये रहा तीसरा वाला चेक पोस्ट, अब खुद देख सकते हो कि सिक्योरिटी किस हिसाब से सेटअप की गई है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई साहब हॉस्पिटल में, ये देख सकते हो भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी, हम पहुंच गए जीएमसी रजौरी में, यहाँ करते हैं मम्मा को ड्रॉप, ठीक है मम्मा अंदर तक छोड़ो बोलो तो। हैप्पी लोहड़ी तो ऑल यूट्यूब फैमिली, भगवान आपको इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे, हर साल आपका खुशी से भरा रहे, ठीक है बाय बाय, हैप्पी लोहड़ी, देखे जाना आपको खुशी जाना बोला, मैं कॉल ड्रॉप करने जा रहा। चलो मम्मा मेरी मित्रों का ना चलता यार, अब मैं आगे कैसे जाऊंगा, ठीक है। ये रही भाई अपनी हॉस्पिटल की पार्किंग, भी हम निकल रहे यहाँ से बाहर हॉस्पिटल से, मम्मा को ड्रॉप कर दिया है, सुबह सुबह आज मम्मा बोले कि हॉस्पिटल आना पड़ा यार, लिटरली टाइम अभी यहाँ पे ये तो शाम के 7 दिखा रहा है, बट टाइम जो है ना वो अभी दिन के, वो भी सुबह के 11 बजे हैं। ओ भाई साहब मौसम देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि 11 बजे, क्योंकि इतनी वो देखो काले काले पूरे काले बादल हैं,
और लोग मेरे को ऐसे देखने बोल रहे हैं ये बंदा पागल वागल है क्या, खुद बातें करे जा रहा है। बट क्या करें भाई, काम है अपना, अपने काम को थोड़ी छोड़ सकते हैं। अब हम पागल कह लो बट हम व्लॉग्स बनाएंगे। एंड वो देखो पार कितना कितना डार्क बादल में, 100% बारिश के चांसेस है। तो बड़ी सही बात होगी कि मैं घर से निकल गया व्लॉग बनाने, मेरी ठंड अगर मैं देखता रहता तो फिर मेरा आज व्लॉग नहीं बन पाता था। भाई कहाँ आ रहा है ये रोड देख रहे हो ना, ये रोड पूरी स्लिप वाली है। अभी मैंने तेज एक्सीलेटर दिया था, मेरा पूरा टायर स्लिप हुआ था मेरा। तो ऐसी रोड्स में हमेशा ध्यान से चलना चाहिए, बड़े बच बुझ के चलना चाहिए। गोप्रो भी सही से चार्ज नहीं हो पाया है, अभी गोप्रो मेरा 22% रह गया है। मुझे नहीं पता है कितनी देर चलेगा, कितनी देर रिकॉर्डिंग कर पाएगा। आई होप कि व्लॉग मेरा बन जाए। बस साइड भैया, ओए 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 मेरी ब्रेकिंग लग रही है। ओ भाई साहब मेरी ब्रेक नहीं लगी है। शिट मैन, थैंक गॉड मैं इतनी तेज नहीं था, वरना मेरी टक्कर मार दी थी मैंने किसी को। मैंने गियर पे कंट्रोल कर लिया यार बाइक को। अब ये देखो बाइक बंद हो गया मेरा। ओ मैन ब्रेक नहीं लगी यार मेरी, थैंक गॉड मैं तेज नहीं था वरना भाई साहब मैं बच जाता आगे जाके किसी गाड़ी के साथ। ये जो चल रही है ना आगे इको हो जाता, पीछे क्रैश कंटेंट दे देता आज मैं आप लोगों को। आज आप लोगों को मेरे से क्रैश कंटेंट मिल जाता कि बाइक क्रैश हो गया, नो क्लिकबेट। ध्यान से चलाओ, राइड सेफ भाई, प्रॉपर गियर्स के साथ सेफ राइड करा करो। अभी मैं इतनी ठंड है कि मैं पूरी जैकेट पहन के, इतनी मोटी सी जैकेट है, ऐसे लग रहा है कि भाई जैसे जंग लड़ने नहीं जा रहा, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। सेम मेरे को वैसी वाइब आ रही है, मतलब आज मैं अपने ऊपर गाना पता कौन सा गाना चाहता हूँ। नी ले ले तुर जाई ले ले मेरे तो। देख रहे हो मैं सुबह सुबह ठंड नहीं देख रहा, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो मेरे को ना एक लाइक डिजर्व करता हूँ। मैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार प्यार दिखाओ अच्छे से अच्छे, क्योंकि भाई मुझे आप लोगों की चाहिए बहुत सारी सपोर्ट। ठीक है, क्रिश चंदन आर्मी बहुत दूर तक जाएगी, सारे साथ में स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी है अपनी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्मी अब यहाँ पर हमें मिलने वाली है भाई, बहुत खतरनाक आर्मी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मंडी है, यहाँ पर आर्मी है। एंड कह सकते हो ये मिड है अपने रजौरी का, तो वहाँ पर बहुत सारी आर्मी मिलेगी। जहाँ से जाने देंगे या नहीं, ऊपर मैंने कहा था, मेरे को पता था कि इस जगह ना बहुत सिकनेस होनी है, क्योंकि प्रॉपर मंडी जो है ना पूरा मिड अपने शहर का वो यहाँ पर ही है, और यहाँ पर तो आर्मी ऑब्वियस है बहुत सारी होगी। तो ये बीच बीच हमें पता नहीं क्या फर्क पड़ जाता है, बट आजकल मैं तेज चलता नहीं होता हूँ, तो आप लोगों को भी तेज ही चलना है, नॉर्मल स्पीड में चलना है भाई। गवर्नमेंट इतने सारी अवेयरनेस निकालते हैं, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो रहे हैं ट्रैफिक को लेकर, तो उसके हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सब धीरे चला करो, राइडिंग गियर्स पहन के चला करो। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया, सारे लगे रहो यार, सपोर्ट कर दो भाई, सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को प्यार दिखाओ बस। मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं आज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। ओए ओए देखो, मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेरे को जो वीडियोस में रिस्पॉन्स आता है वो ज़्यादा मोटो व्लॉग्स पे ही आता है, तो तभी मैं ना ज़्यादातर मोटो व्लॉग्स करने की ही कोशिश करता हूँ। मैं इतना लाइफ स्टाइल व्लॉग की कोशिश करता भी नहीं हूँ, क्योंकि यार जैसा कॉन्टेंट आप लोगों को देखना पसंद है मैं वही डालूंगा ना। आप लोगों को इंटरेस्ट है कि कृष बाइक पर क्या कर रहा है, तो तभी मैं ना ज़्यादा मोटो व्लॉग्स बनाने की कोशिश करता हूँ। लाइफ स्टाइल व्लॉग बनाना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू मोटो व्लॉग्स, क्योंकि मोटो व्लॉग्स में आपको कॉन्टेंट निकालना पड़ेगा खुद कुछ ना कुछ करके, बट लाइफ स्टाइल व्लॉग में आपको बस अपनी लाइफ दिखाने और कुछ ना कुछ हैपनिंग ऐसा हो जाता है कि जिससे कॉन्टेंट बन जाता है। देखो भाई, एक और पुलिस की चेक पोस्ट, पूरा का पूरा रजौरी सीज है आज, हर जगह आपको बस पुलिस ही पुलिस मिलेगी, बस पुलिस। अब बस मुझे डर है कि जो अपना प्रॉपर ब्रिज है, जो हमारे ब्रिज को कनेक्ट करता है ना हाईवे से रजौरी सिटी को, वो है सलानी ब्रिज। अब वहां पे मुझे लग रहा है बहुत सिकनेस होने वाली है, और अगर वहां से इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया तो फिर मैं खजल हूं। मुझे नहीं पता फिर मैं कौन से रास्ते से घर जाने वाला हूं, क्योंकि वही एक लास्ट सहारा है, यहां से मैं घर जा सकता हूं। सो लेट्स सी भाई, जो भी सीन्स होंगे देखते हैं आगे जाके। आई जस्ट विश बाय फिंगर क्रॉस कि अभी हमें वहां से जाने दें। मौसम देख रहे हो आप लोग, क्या खतरनाक मौसम है यार। मैं रैश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बस इंजॉय करूँ राइड को, और मतलब फील कहते हैं ना फील, वो आ रही है मेरे को। मन तो कर रहा है, ओ भाई हॉर्न नहीं मार रहे यार, मन तो कर रहा है कि कहीं लॉन्ग राइड पे निकल दो, बट पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन लुक एट द व्यू मैन, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर मौसम है यार आज का। ऐसे मौसम रहे ना और ठंड थोड़ी सी कम हो जाए तो भाई व्लॉग्स बनाने का मजा ही कुछ हो रहा है, समझ जो होने वाला, क्योंकि ऐसे मौसम में ना हमें बहुत मजा आता है व्लॉग्स बनाने का। एक तो बिल्कुल पैक हूँ, मेरे को हवा टच भी नहीं कर रही है सिवाय पाँव के, वैसे शूज़ तो पहने हुए हैं मैंने, मैं बिना शूज़ के कभी व्लॉग बनाने नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे रुकते हैं एंड बनाते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी, तो जिस जिसने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाके प्लीज़ फॉलो कर दो भाई, वहाँ प्यार दिखा दो थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे हर अपडेट और इतनी बढ़िया स्टोरीज डालते हैं हम बाइक्स की। सो नीचे आई डी आ रही है, फॉलो कर देना ठीक है। ग्राउंड यहाँ पे वो देखो, कुछ लोग क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं, हम अपने बाइक चला रहे हैं, सारे अपना अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं सारे के सारे भाई। जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, और जो बाइक चलाना पसंद करते हैं मेरी तरह, वो बिना ठंड देखे बाइक लेके घूमने आ गए। ये देखो, ओके ओके ओके, यहाँ पर भी पुलिस है यार, क्या चल क्या रहा है आज, जाने दो मुझे घर जाने दो यार। अंकल देख लो, शीशे खोल लो यार, है पुलिस में अंकल, बट शीशे वगैरह सभी बंद रखे हैं यार, पता ही नहीं कुछ रूल वगैरह का, कुछ पता ही नहीं है। एक तो ये हाईवे में इतने सारे खड्डे हो गए ना, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, खतरनाक खड्डे भाई, बाइक चल नहीं पाता है। अब बस यहाँ से अंदर जाने दें, हे भगवान
थैंक गॉड यस भाई साहब दैट्स ऑल आई वांट। ये देख रहे हो ये मतलब लग नहीं रहा है कि चोरी है, इतना खाली है इतना खाली है, गाड़ी भी नहीं दिख रही मुझे, पता नहीं क्या हो गया, कम से कम कर्फ्यू तो नहीं लग गया यहाँ पर, मुझे ये डर है और लगना भी नहीं चाहिए भाई अगर कर्फ्यू लग गया, मुझे नहीं पता हम ब्लॉग्स कैसे बना पाएंगे जितने भी यहाँ के ब्लॉगर हैं डेली ब्लॉग कर रहे हैं। ट्रैफिक वाले भैया बीच में खड़े हो गया, कोई तेज आया ना सांस लेके चला जाएगा।